दिलीप कुमार तिर्की। थैंक यू सर, मुझे आज काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय में मुझे बोलने का मौका दिया। एक मनुष्य के लिए एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये बिल देश में लंबे समय के बाद लाया जा रहा है और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय के लिए इसको लिया जाएगा। सॉरी, ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी इनपुट, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ मेरे तरफ से भी इनपुट है आपके लिए। सो काफ़ी लंबे समय के बाद ला रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय तक ये रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे वर्ल्ड एजुकेशन सीन जिस तरीके से बदलते जा रहा है, उस हिसाब से हर एक 10 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए। लेकिन ये लगभग मेरे ख्याल से 30 साल के बाद हम इसको दोबारा ला रहे हैं, काफ़ी लेट है। मैं विस्तार में जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ब्रीफली कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरे देश में अपना जो सिलेबस है, एकेडमिक कैलेंडर्स और मार्किंग पैटर्न जो है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। जहाँ तक संभव है एक जैसा करना होगा, क्योंकि जो हमारे स्टेट जितने भी स्टेट है उन बोर्ड का मार्किंग सिस्टम और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग सिस्टम काफ़ी डिफरेंट होता है, मार्क डिफरेंट होता है, कहीं ज़्यादा किसी को आ जाता है, किसी कम आ जाता है। जहीं एडमिशन के लिए जहाँ जाते हैं उसका जहाँ जिसको बेसिक मिलता है ज़्यादा मिलता है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसके ऊपर आप ध्यान दिया जाए। हालाँकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम जीएसटी में आम सहमति बना सकते हैं तो इसमें भी क्यों नहीं बनाना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी को फोकस इस बात का होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे जात पात धर्म से उठकर देश के लिए सोचना चाहिए। इसमें इस हिसाब से हमें सोचना होगा। महोदय, आदिवासी के लिए मेरे ख्याल से एसटी एससी के लिए कोई नहीं सोच रहा है मेरे ख्याल से, जो कि ये आज भी 69-70 साल हो गया आज़ादी के बाद भी आज पिछड़ा हुआ है। देश में कई सारे यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन महोदय उसमें आप जाके देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी में ना आदिवासियों के लिए सोचते हैं, ना उनके लिए वहाँ पे ना कोई कल्चर के बारे में वहाँ रिसर्च होता है, ना उनके भाषा के बारे में रिसर्च होता है, ना उनके बारे में चिंता किया जाता है, ना लिटरेचर के बारे में सोचा जाता है, कहीं भी कुछ फैसिलिटी वहाँ ध्यान इम्पोर्टेंट दिया नहीं जाता है। इसलिए महोदय हमारा एक डिमांड था कि ओडिशा में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि सिर्फ ओडिशा नहीं, ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर में जितने भी आदिवासी क्षेत्र आदिवासी इलाका है, जो कि वहीं पे उनका सब कुछ वहीं सीख सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जितना भी हमारे आश्रम स्कूल सब है, आश्रम स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, 1 से लेकर 10 तक, कहीं कहीं 12 तक है। लेकिन देखा गया है कि गरीब बच्चे सब 10 के बाद 12 के बाद दोबारा वापस घर चले जा रहे हैं। इसलिए मंत्री जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि ये आपका मंत्रालय का नहीं है, ट्रैवल डिपार्टमेंट का है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टैलेंट बच्चे सब वापस घर चले जा रहे हैं। इसलिए हो सके तो हायर एजुकेशन में हमें उनको लाना पड़ेगा, हायर डिग्री देना पड़ेगा वहाँ पे बैचलर डिग्री करना पड़ेगा, वहाँ पे वोकेशनल कोर्स देना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे वहाँ से निकल के डायरेक्ट सामने आएंगे या जॉब के लिए सामने आ पाएंगे। महोदय, जितना भी हमारे ट्रेवल्स एरियाज के जितने भी शेयर है गवर्नमेंट के साथ, मैं स्टार्ट करूंगा सर्व शिक्षा अभियान, पहले था 75-25, वो भी घटाकर 65-35 कर दिया गया,
मैं ही चाहूँगा कि ट्राइबल एरिया में जितने भी स्कूल सब है उसको भी जैसे 75-25 ऐसे रखा जाए। हमारा जो KVK डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है, जो ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, डिफिकल्ट एरिया है, उस एरिया में जाना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पे 90-10 रखा जाए। ये सब चीज़ों को काफ़ी निगलेक्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आखिर में मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं स्पोर्ट्स के बारे में दो चीज़ मैं आपको फोकस करना चाहूँगा, मैं भी इनपुट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मोस्टली स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, रूरल एरिया से आ रहे हैं, ST/ST ट्राइबल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो एक है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, और दूसरा मैं कहूँगा मार्क फॉर स्पोर्ट्स, जो कि काफ़ी दिन से हमारा डिमांड होते आ रहा है। जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने भी हमारे हॉस्टल एकेडमिक्स हैं, जो भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में बेटर कर रहे हैं, अचीव करके आ रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, उनके लिए मार्क के सिस्टम उसमें होना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। तो थैंक यू सदर जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सदर जी प्लीज, स्कूल में कंपलसरी स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल डायबिटीज का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे स्कूल बच्चों में, लाखों से ऊपर डायबिटीज का मामला है स्कूल बच्चों में, 70,000 बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनको डायबिटीज हुआ है, जो कि ये काफ़ी दुख की बात, 40,000 बच्चे Type 2 डायबिटीज हुआ है, 68% अर्बन बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज फिटनेस करना नहीं चाहते, 9% बच्चे जो कि 9 साल से 18 साल हैं, काफ़ी मोटापा उन पर है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए उनका फिटनेस के लिए मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स को कंपलसरी किया जाए। और मैं कहूँगा जितने भी हमारे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में अच्छा क्वालिटी टीचर आपको देना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।